बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में दंगा नियंत्रण रिहर्सल कराया गया। रिहर्सल के दौरान जिलाधिकारी अटल कुमार राय और पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी भी खुद मौजूद रहे और दोनों आला अधिकारियों की देखरेख में ही रिहर्सल कराया गया। वैसे तो ये दंगा नियंत्रण रिहर्सल पुलिस की मुस्तैदी देखने और आपातकाल की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कराया गया था, लेकिन रिहर्सल के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब आंसू गैस का एक गोला पुलिस कर्मियों के बीच ही जा गिरा, लेकिन पुलिस की सजगता के चलते गोले को पूरी एहतियात के साथ हटा दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने खुद अधीनस्थ अधिकारियों को रिहर्सल कराया। रिहर्सल के दौरान सभी अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित 22 थानों के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस कर्मियों को हथियारों के अभ्यास के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। सर ये पाया तो हमेशा इसको बहुत ध्यान, एक बार अगर शुरू हुआ कोई चीज तो वहाँ फिर पीछे नहीं हटना है। हमेशा जब भी फ्लेवर हुआ है प्रशासन का या पुलिस का तो हमेशा पीछे हटने की एक बार है कि जितने भी आपके नॉन लीथल वेपन है इससे ये पर्याप्त है, कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ना चल रहे हो उनको बदल लें। आसन है त्यौहार, इसके मद्देनजर इन्हों का अभ्यास कराया गया है कि और साथ में बहुत सारे लोग उपस्थित रहे एक टीम के रूप में जिनको निर्णय लेना है मौके पर। सभी के सामने एक तरह से प्रैक्टिस भी कराई गई और एक तरह से अभ्यास भी किया गया ताकि कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़े और हम लोगों को बता सकें कि हम कितने पहले से ही कितने तैयार हैं किसी भी आकस्मिक। सर क्या ये आने वाले त्यौहार के मद्देनजर ये तैयारी है? नहीं, आप बिल्कुल आने वाले त्यौहार के मद्देनजर हम लोगों ने एक बार रिहर्सल किया है ताकि कोई भी अगर आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके और ये हमेशा के लिए तैयारी है क्योंकि कभी भी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेष तौर से त्यौहार को देखते हुए।